8 जुलाई 2005, सितंबर 2012, 30 अप्रैल 2016, 9 जून 2021। ये तरीका असी इसलिए दस रहे हैं क्योंकि इन तरीकों ही जुर्म की दुनिया च गए वड्डे गैंगस्टरां दा अंत होया सी। सवाल तरीकों का नहीं है, सवाल यह है कि आखिर डिंपी चंदभान तो शुरू हुई कहानियां खत्म कदों होणगियां। जे गल भारत की कीती जावे तां गैंग वॉरां लई बंबे की धरती जानी जाती सी, जिथे कतल हुंदे सी, फिरौतियां ते अगवा कांड वापरदे सी, जिस ते के आधारित फिल्म अपहरण भी बन चुकी है। पर बंबे तो आउंदे आउंदे सिलसिला पंजाब च भी शुरू हो गया, जिन्हां चों पंजाब दे वड्डे गैंगस्टरां च नाम आउंदा है डिंपी चंदभान दा। कहा भी जांदा है कि डिंपी चंदभान दा बठिंडा जेल अंदर ही दरबार लगदा सी। उस तो बाद सीन च आउंदा है रॉकी फाजिलका, दोवें ही मालवे इलाके दे सी, जिस कारण डिंपी चंदभान नाल रॉकी दी नेड़ता वधी है। पर कहिंदे आ कि बाद च छोटा गैंगस्टर अपने आप नूं वड्डा करन लई वड्डे गैंगस्टर नूं मार दिंदा है जां फिर मरवा दिंदा है तां कि उहदा अपना सिक्का चल सके। तरीक 8 जुलाई 2005, जिस दिन के प्रभजिंदर सिंह उर्फ डिंपी चंदभान दा कतल हुंदा है। इस कतल का इल्जाम लगता है डिंपी दे ही नेड़ले रॉकी फाजिलका ते। हालांकि रॉकी इस गल तो इनकार करता है कि उसने अजिहा कुछ भी नहीं करवाया, पर चंदभान दे कतल तो बाद रॉकी गैंगस्टरां दा बादशाह बन जांदा है। जुर्म की दुनिया च पैर रखदे ही रॉकी ते कई मामले दर्ज हो गए, जिस च कतल, फिरौती ते अगवा दे कई मामले सन। कहा जाता है कि रॉकी दे उत्ते बंगलौर च भी एक लड़के नूं अगवा करन दा मामला दर्ज होया सी। इन्हें सब के विचाले बाद जिन्हें भी गैंगस्टर हुए उस सारे रॉकी दे नेड़े रहे, जिन्हां च जयपाल भुल्लर, विक्की गौंडर, शेरा खुब्बण, गुरप्रीत सेखों, गैंगस्टर तो समाजिक कारकुन बनिया लखा सिधाणा ते होर भी कई गैंगस्टर शामिल ने। हालांकि पहला इन्हां चों कई नेड़े रहे पर बाद च कईआं दीआं दुश्मनियां पै गईआं। सितंबर 2012, जिस दिन गुरशहीद सिंह उर्फ शेरा खुब्बण का एनकाउंटर होया, इन्हां दीआं ही दोस्तियां ते दुश्मनियां दे विचाले शेरा खुब्बण दा बठिंडा च एनकाउंटर हो जांदा है। परिवार कहिंदा है कि इह झूठा पुलिस मुकाबला है ते इस दे इल्जाम रॉकी ते लगे कि रॉकी ने शेरे दी पुलिस कोल मुखबरी कीती सी, जिस तों बाद रॉकी दे नज़दीकी रहे गैंगस्टर ही उस दे दुश्मन बन गए। उन्हां च सब तों वड्डा नाम है गैंगस्टर जयपाल भुल्लर दा, क्योंकि जयपाल शेरा खुब्बण दा करीबी सी। 30 अप्रैल 2016, जिस दिन जसविंदर सिंह उर्फ रॉकी फाजिलका का कतल हुंदा है। पंजाब च हो रहे इन्हां कथित मुकाबलियां ते गैंगवॉर्स विचाले ही 30 अप्रैल 2016 नूं जयपाल ते तीर्थ ढिलवां वलों जसविंदर रॉकी का कतल कर दिता जांदा है ते इस नूं शेरे की मौत का बदला दस्या जांदा है। पर इस कतल तो बाद भी गैंगस्टरां दी चौधर का रौला नहीं मुकिया। डिंपी चंदभान तो बाद भी रौला इस तरह चलता रहा। उदों तो लैके हुण तक के गैंगस्टर दो धड़ियां च वंडे हुए ने, एक धड़ा दविंदर बंबीहा, सुखप्रीत बुड्ढा ते उसके साथियों का, ते दूजा धड़ा लॉरेंस बिश्नोई ते जग्गू भगवानपुरिया का, जिन्हां दी कि धड़ेबंदी हाले खत्म होने का नाम नहीं लै रही, क्योंकि हाल ही च मोहाली च अकाली आगू विक्की मिड्डू खेड़ा का कतल कर दिता गया सी, जिसकी जिम्मेवारी दविंदर बंबीहा ग्रुप के वलों ली गई है। तो बाद च लॉरेंस बिश्नोई के वलों भी एक पोस्ट पाई जाती है जिदे विच के विक्की दे कातलां नूं कहा जाता है कि वह भी अपनी मौत की तैयारी कर लैन। तो यह सिलसिला हाले रुकण का नाम नहीं लै रहा। आखिर खूनी कहानियां कदों खत्म होणगियां, सरकारां कदों सुहिरद होणगियां, एक कई सवाल ने जिन्हां दा हल सोचना पवेगा। पर जे गल उन्हां मापिआं दी कीती जावे जिन्हां ने अपने पुत्तां दी मौत दा दर्द पिंडे ते हंडाया, वो मापे अपील करदे ने कि यूथ नूं समझण दी लोड़ है कि गुनाह दी इस दुनिया च कुछ नहीं रखिआ। साडी तां इक्को अपील है, पोते काम ना करो, साडे वल वेखो, असीं कखां तौले होए हुए हां, ते जे तुसीं माड़े कर्म करोगे ते तुहाडे मां प्यो वी साडे वांगू रुलदे फिरनगे। कोई बात नहीं पुछदा, जिहड़े अज
जो शेरा जमदा सी ता साडे घरे लैणा लगियां रहिंदियां सी मुंडिया दियां असी बहुत हाथ जोड़दे सां ते पर ओ जो कुदरत नूं मंजूर होना तो उही है ये भी नौजवानों भी जरा तो ये जरा इन्हों का जरा गंदा जरा रस्ता बहुत माड़ा है ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਮਾਰੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਵਕਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲੰਕ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮਾਜ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦ ਭਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਨੇ।